पुलिस क्राइम बैठक पुलिस लाइन हमीरपुर में आयोजित की गई। मासिक बैठक में चौकी से लेकर थाना में चोरी की घटनाओं का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। पुलिस क्राइम बैठक हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में पुलिस चौकी से लेकर थाना में चोरी की घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। वहीं हमीरपुर के गांधी चौक में दिन दिहाड़े एक मकान मालिक के कमरे के अंदर से नकदी चोरी होने की घटना पुलिस विभागीय कर्मचारियों के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुलिस विभागीय कर्मचारी शहर के हर कोने में सेक्टर के रूप में तीखी नजर रखें। उन्होंने चौकी तथा थाना प्रभारियों को आपराधिक लोगों के ठिकानों पर रात के समय खुफिया रूप से गश्त करने के लिए भी कहा। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ केस दर्ज करें। वहीं शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए पुलिस यातायात कर्मी नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान करें। पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने बताया कि बैठक में चोरी की घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। पुलिस कर्मियों को रात के समय गश्त करने के आदेश भी दिए गए। बैठक में सुजानपुर थाना प्रभारी श्यामलाल, महिला पुलिस थाना प्रभारी रीता शर्मा, सदर पुलिस थाना प्रभारी संजीव गौतम, बड़सर पुलिस थाना प्रभारी जगदीश चंद, भोरंज थाना प्रभारी बलवंत सिंह, नदौन थाना प्रभारी गुलोड पुलिस चौकी इंचार्ज जाहू वादेवी बोटा तथा टॉनी देवी से भी कर्मचारियों ने भाग लिया। हमीरपुर की क्राइम एंड वेलफेयर मीटिंग आज पुलिस लाइन हमीरपुर में आयोजित की गई। इसमें विभाग से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं सभी पे विचार किया गया। खासतौर पे जो कल्याणकारी मुद्दे हैं वो उठाए गए। उसके बाद में जो क्राइम से संबंधित जितने भी डाटा है और जो हमारी इसमें परफॉर्मेंस रही है उसको हमने आज एनालाइज किया है। उसके बाद जो जरूरी निर्देश जितने भी देने थे इससे संबंधित, ताकि हम पुलिसिंग को बेटर बना पाएं, और वो सारे निर्देश दिए गए सभी थाना स्तर पे और चौकी स्तर पे। इसमें हमारा मेन फोकस है कि इस तरह के केसेज पकड़ में आए। पिछले दिनों नादौन पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा भी है, और हमारी कोशिश है कि इस तरह के जो लोग और कहीं इन्वॉल्व हैं उन पर नजर रखी जाए। साथ ही साथ जो बाहर के प्रवासी लोग हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, या और ऐसे संदिग्ध और जो आदन जो चोरी की घटनाओं में लिप्त रहे हैं, उनका डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं थाना स्तर पे। तो जो रजिस्टर है वो मेंटेन हम कर रहे हैं, ताकि उसमें कोई भी घटना होने पे ऐसे लोगों तक हम तेजी से पहुंच सके। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष में कुछ खास लोग ही इन्वॉल्व होते हैं चोरी के मामले में। रात के स्तर पे सभी थाना प्रभारी को निर्देश है कि उसको थोड़ा इफेक्टिव करें, और जो नाके वगैरह जो पॉइंट है उनको स्ट्रेंथन करें, ताकि जो भी गतिविधि इस तरह की कोई होती है उस पर रोकथाम की जा सके।